हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के लिए। पिछली वीडियो में हमने अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट होने के रूल्स देखे थे। उसमें हमने दो तरह के अप्रोच देखे थे, पहला था मॉडर्न अप्रोच और दूसरा था ट्रेडिशनल अप्रोच। इन दोनों से हमने अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको सीखा था, और हमने देखा था कि जर्नल एंट्री करते समय कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो सब तैयार हो जाने के बाद में जर्नल एंट्रीज़ करना बहुत ही इजी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम दो चार एंट्रीज़ करेंगे, जिसमें से सबसे पहली हमारी कैपिटल की है, दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, थर्ड हमारा टेकन लोन, फोर्थ जब हम किसी को लोन देते हैं, और फिफ्थ है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। और सिक्स और हमारी लास्ट एंट्री आज के लिए रहेगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो रूल्स तो सब में वही लगने वाले हैं, लेकिन सारी एंट्री एक एक बार हम लोग करेंगे, तो उससे जो आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हम अपने दोनों जो रूल्स पढ़े थे, दोनों तरह के अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने मॉडर्न अप्रोच तो यहाँ पर लिख रखा है। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था, हमारी लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम अगर डिक्रीज हो रही है, अगर हमारे बिजनेस में हमारी कैपिटल, लायबिलिटीज़ या इनकम अगर घट रही है तो डेबिट होगा, और अगर वो बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। और एसेट्स और एक्सपेंस में क्या है, अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट होगा, और डिक्रीज़ हो रही हैं, घट रही हैं, तब क्रेडिट होगा। जो हमारा सेकंड वाला था ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें एसेट्स या लायबिलिटीज़ जो भी हमारी रियल अकाउंट के हैं, उसमें रूल था कि व्हाट्स कम इन, जो कुछ भी बिजनेस में आता है उसको हम डेबिट करते हैं। अब रियल अकाउंट में होता क्या है, जैसे लैंड है, कैश है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो अगर कैश बिजनेस में आएगी तो हमारी बिजनेस में कैश इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगा। और लायबिलिटीज़ में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर हमने लिया तो वो हमारा इंक्रीज़ हुआ तब वो क्रेडिट होगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट में हम पे करते हैं तो उससे हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती है कि हमने 100 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, जो करंट अकाउंट होता है उसमें हमें एक सर्विस दी जाती है कि हमारे बैंक बैलेंस, हमारा जो भी बैंक बैलेंस है उसमें अकॉर्डिंग टू क्रेडिट, यानी हमारी जो भी शाख है, जो भी गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है अगर हमारे अकाउंट में ना हो फिर भी, तो उसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हम बैंक से निकालते हैं वही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है। आगे जब इसकी बैंक रिलेटेड एंट्रीज आएंगी तो उसमें हम बताएंगे। और फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट का हो गया व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होंगे, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होंगे। तो आज की हमारी जो पहली एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो इसके लिए जो एंट्री बनेगी तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कैसे बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री तो हम तभी करेंगे जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसमें हम कैश ला रहे हैं, तो चाहे जिससे देखें, चाहे मॉडर्न से अप्रोच से, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से, एंट्री सेम बनने वाली है। तो हमारे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगी और कैश भी हमारी इंक्रीज होगी। तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होता है, और अगर कैपिटल या लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होता है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, यहाँ डेट हमने कोई डाली नहीं है, अगर डेट डालेंगे तो यहाँ पर डेट लिखेंगे, वरना हमने केवल ऐसे सीरियल नंबर लिख रखा है, सीरियल नंबर लिख लेते हैं। और फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, व्हाट्स कमिंग,
कैश आ रही है, कैश अकाउंट डीआर टू, ये शायद हमने पहले नहीं बताया था। जर्नल एंट्री करने में जो भी अकाउंट क्रेडिट करते हैं उसके पहले हम टू का यूज़ करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरीज होती हैं, उनमें ये आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट जो होता है ये बिजनेस के ओनर का, प्रोपरेटर का, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होगा जिसमें से ये होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट अमाउंट कितना है? 50,000। इसमें नरेशन जो भी हमें लिखेंगे वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, सिंपल सी इसके लिए होती है बिजनेस स्टार्ट के लिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आगे बढ़ा सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 50,000, या सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं। अब कभी कभी जो बिजनेस का ओनर होता है वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश के अलावा कुछ फर्नीचर लाता है, या फिर जैसे यहाँ पर तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर रिस्पेक्टिवली, उसके अमाउंट अलग अलग दिए होते हैं। तो उसमें भी जो भी हमारी बाकी फर्नीचर हुआ या जो भी गुड्स होगा हमारा, वो हमारी असेट्स ही तो है, वो व्हाट्स कमिंग या फिर इंक्रीज दोनों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डेबिट ही होगा। उन दोनों वो जो भी आइटम्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाएंगे वो सब डेबिट होंगे और उसके बाद में टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है उसे वापस करने के लिए। तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। कैसे? अगर हमारी कैपिटल 50,000 है और अगर इसमें इंटरेस्ट हम लगाते हैं तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर कैपिटल में ऐड होगा तो हमें लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी। तो इस हिसाब से जो एक और अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल था? जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो डेबिट होंगे और जो भी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट होगा। तो इसके लिए हमारी एंट्री जो बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल क्रेडिट क्यों होगी? क्योंकि जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कैपिटल में ही ऐड होगा तो हमें कैपिटल बढ़ेगी, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। तो ये हमारे अमाउंट कितना है? 5,000। इसकी नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, ऐसे मतलब जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसी को हमें नरेशन के रूप में लिखना है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल। थर्ड, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन हमने लिया है बैंक से तो लोन तो सिंपल सा हमारी वो लायबिलिटी हो जाएगी और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल बैंक जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट होता है। तो बैंक में तो जो रूल लगेगा वो पर्सनल अकाउंट का लगेगा,
जो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और कोई यहाँ पर हम लोन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। लोन के रूप में आ क्या रहा है, कैश, हमें बैंक से कैश मिल रही है। गिवर कौन है, बैंक है। तो एक हमारा हो गया कैश रियल अकाउंट और दूसरा बैंक पर्सनल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रही है और बैंक गिवर है। और अगर इसमें देखें तो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वो हमारे अकाउंट से ही तो होता है। तो जो हम बैंक में जो अकाउंट होगा उससे जो कैश होगी वो कैश विड्रॉ हो जाएगी, तो कैश इंक्रीज होगी और बैंक डिक्रीज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी कैश इंक्रीज हो रही है डेबिट, और बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि लोन होगा तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो कैश रियल अकाउंट है, व्हाट्स कमिंग, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। और गिवर कौन है, बैंक गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, being loan taken from bank, amount 25,000, fourth हमारी entry है loan given to Sohan, third entry में हमने loan लिया था, फोर्थ में हम लोन दे रहे हैं। मीन्स जो गिवर कौन होगा, गिवर बिजनेसमैन होगा, यानी कि जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं राम, और रिसीवर कौन होगा, सोहन। तो जनरल एंट्री करते समय ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि कभी भी उसका नेम जनरल एंट्री में कहीं भी नहीं आएगा जिसकी बुक में जनरल एंट्री हो रही है। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर जनरल एंट्रीज इन दी बुक ऑफ, तो राम की बुकों में जब जनरल एंट्री हो रही है तो कहीं भी जनरल एंट्री में राम का नाम नहीं आएगा। इसमें फोर्थ एंट्री में दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो होगा सोहन और सेकंड क्या होगा, हम लोन दे रहे हैं तो लोन दे किस रूप में रहे हैं, वो है कैश। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो अकाउंट हमें मिल गए, हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे। तो और सबसे पहले हमें यही पता लगना होगा कि कौन से दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। जब हम ये पता कर लेंगे कि कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इस ट्रांजेक्शन से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम रूल लगा कर उसे डेबिट और क्रेडिट करना आसानी से पता कर लेंगे। जो भी रूल होगा वो आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यही ना निकाल पाए कि कौन से दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, कौन से दो अकाउंट ऐसे हैं जिन पर ट्रांजेक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, तो जनरल एंट्री करने में बहुत ही कठिनाई आती है। तो लोन गिवन टू सोहन, इसमें सोहन पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं, रिसीवर को, क्रेडिट करते हैं गिवर। तो सोहन यहाँ पर हमारा क्या है, रिसीवर। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो सोहन, अब आपको याद होगा हमने बताया था पर्सनल अकाउंट यानी नेचर पर्सनस अकाउंट्स में अकाउंट सिंबल का यूज़ तभी करते हैं जब हम यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। सोहन्स अकाउंट डेबिट अमाउंट 30,000 टू व्हाट्स गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी जो भी बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट होगा, टू कैश अकाउंट 30,000। नैरेशन बना लेते हैं,
बीइंग लोन गिवन टू सोहन। फिफ्थ एंट्री क्या है? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 5000। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, अब यहाँ पर सेम जो प्रोसेस हमारा कैपिटल में हुआ था वही लोन में होगा। लोन हमारी लायबिलिटी है, अब इस पर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मीन्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, तो पहले ये कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितना 5000 टू। अब हमें यहाँ पर क्रेडिट क्या करना है ये देखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड किस में होने वाला है, लोन में, यहाँ कैश वगैरह में तो है नहीं, तो क्रेडिट द हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उन्हें क्रेडिट करते हैं। लोन हमारी क्या है, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। सॉरी टू लोन अकाउंट 5000। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, हमें पे करना है तो इसको डेबिट करेंगे। नरेशन बना लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन। सिक्स और जो लास्ट आज के लिए हमारी एंट्री है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अक्रम। हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जनरल एंट्री करते समय हम कहीं भी गुड्स अकाउंट का यूज़ नहीं करते हैं। गुड्स अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया गया है, परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और लास्ट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट एक होगा? फर्स्ट तो मैं पहले ही एंट्री में है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट होगा। अब दूसरा क्रेडिट फ्रॉम अक्रम, इस तरह की जो एंट्री होती है सिर्फ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अक्रम। अगर यहाँ पर ऑन क्रेडिट ना लिख करके लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम अक्रम, फिर भी ये ऑन क्रेडिट ही माना जाता। जनरल एंट्री में जब तक कैश वर्ड का यूज़ नहीं होगा तब तक जनरल एंट्री को कैश ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, उस ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम अक्रम होता तो भी उसको हम ऑन क्रेडिट बोलते, अगर होता परचेज गुड्स फ्रॉम अक्रम फॉर कैश तब वो ट्रांजेक्शन कैश होता और तब वहाँ पर जो हमारा सेकेंड अकाउंट है, अभी ऑन क्रेडिट है तो हमारा सेकेंड अकाउंट होगा वो अक्रम का होगा, अक्रम। लेकिन अगर ये परचेज गुड्स फ्रॉम अक्रम फॉर कैश होता तो हम यहाँ पर अक्रम को नहीं लिखते, क्योंकि बिजनेस में मेन जो मोटिव होता है, मेन जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट का होता है। तो जब हमें अक्रम से पेमेंट मिल चुकी है तो फिर हमें अक्रम को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना फिर अक्रम का अकाउंट हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसका जो ट्रांजेक्शन का जो भी पेमेंट है वो सेटल हो चुका है तो हम अक्रम का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। लेकिन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर ट्रांजेक्शन उधार है, क्रेडिट पे है, तो हमें अपने कस्टमर का नाम याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें उससे पेमेंट अभी मिलना बाकी है। तो इसमें एक अकाउंट परचेज का हो गया, दूसरा अक्रम का। अक्रम हमारा पर्सनल अकाउंट है और देखें तो ये हमारा क्रेडिटर भी है क्योंकि इससे अभी सॉरी परचेज अकाउंट रियल अकाउंट हो गया, अक्रम हमारा क्रेडिटर है तो इससे भी हमें पेमेंट लेना है तो ये हमारी लायबिलिटीज में होगा। परचेज व्हाट्स कमिंग, परचेज कर रहे हैं तो हमें जो गुड्स
गुड्स है वो बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, और परचेज एसेट्स है इंक्रीज हो रही है तो भी डेबिट होगा। तो सिक्स सेवन थ्री परचेज अकाउंट। अक्रम हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर जब भी बिजनेस में बिजनेसमैन या ओनर अगर कुछ भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भी पेमेंट हमें करना होता है तो वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। जैसे अगर हमने किसी से लोन लिया तो जिससे लोन लेंगे हम वो हमारा क्रेडिटर होगा। इनसे हमने उधार माल परचेज किया है ऑन क्रेडिट तो ये हमारे क्रेडिटर होंगे। तो टू अक्रम, टू अक्रम्स अकाउंट 30,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, फिर लास्ट में ग्रैंड टोटल का, ये जो भी हमारा टोटल होगा उसको ऐड करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये इसका पूरा टोटल हम यहाँ पर लिखते हैं, जो भी टोटल होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। और इधर डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आता है। तो इसका जो टोटल आएगा $95,000, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो आज की वीडियो में हमने 6 एंट्रीज देखी। जैसे परचेज की ऐसे सेम गुड सोल्ड की भी होती, बस जैसे इसका अपोजिट होगा। उसमें जो भी हमारा डेप्टर होगा यानी जो भी हमारा परचेजर होगा तो उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। और जो भी नॉर्मल अकाउंट की एंट्रीज होती हैं जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, तो उसमें सैलरी या रेंट जो भी होगा DR टू कैश अकाउंट। बाकी इसके आगे बाद अगली वीडियो में हम और भी एंट्रियाँ देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट की। उसमें मेनली हम डिस्काउंट के टॉपिक पर बात करेंगे और बाकी एक दो एंट्री एक्स्ट्रा देख लेंगे, जैसे कि ये सिंपल सी हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।